नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल कार्निवल। दोस्तों मैं अभी अंगुल स्टेशन में हूँ और मैं आज कहीं जा रहा हूँ। वीडियो अंत तक देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। और 10 बजे मेरा ट्रेन है, लगभग 48 घंटा लगेगा मेरे को पहुँचने में। आप वीडियो देखते रहिए, एंड में आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कौन सा नया डेस्टिनेशन कवर करने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों मैं ट्रेन में जो टिकट कटा है वो लोकल का टिकट कटा है। लोकल मतलब ऑल रिजर्व जो बोलते हैं, क्योंकि आपको कम पैसा में ट्रैवल करना है और बजट में ट्रैवल करना है, आपको लोकल ट्रांसपोर्ट जो मिलता है उसी पे आपको यात्रा करना चाहिए, ताकि आप पैसा बचा सकेंगे और कम पैसा में बजट में आप ट्रैवल कर सकते हैं। मेरा जो ट्रेन था पूरी वलसाड सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और ट्रेन भी ठीक करेक्ट टाइम में 10 बजे अंगुल स्टेशन में पहुंच गया था। तीन घंटा सफर करने के बाद 1 बजे ट्रेन झारसुगुड़ा स्टेशन में पहुंच गया था। झारसुगुड़ा से चंपा होते हुए 4:30 बजे बिलासपुर स्टेशन में ट्रेन पहुंच गया था। आप जैसे ही मध्य प्रदेश बॉर्डर में प्रवेश करेंगे, चारों तरफ आपको हरियाली, गेहूं, चना और मटर का खेती देखने को मिल जाएगा। इक्कीस घंटा सफ़र करने के बाद मंडे सुबह 7 बजे में भोपाल स्टेशन में पहुंच गया।
आप जैसे ही गुजरात बॉर्डर में प्रवेश करेंगे तो आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा कपास का खेती और बबुल का पेड़। गुजरात में काफ़ी मात्रा में कपास का खेती किया जाता है और ज़्यादातर बबुल का पेड़ ही यहाँ पर मिलता है, और कहीं कहीं आपको नीम का पेड़ भी मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर इलाका में बबुल का पेड़ ही गुजरात में ज़्यादा मिलता है। फाइनली मैं सूरत सिटी स्टेशन में शाम को 7 बजे पहुंच गया था। अब तक मैं काफ़ी मात्रा में टायर्ड हो चुका था, इसलिए स्टेशन को शूट नहीं कर पाया, लेकिन आने वाले 1-2 महीने मैं आपको दिखाऊंगा गुजरात का बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और एक एक डेस्टिनेशन में कवर करने के लिए कोशिश करूँगा।